हम लोग पिछले वीडियो में कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए जान गए और सम भाजकों की संख्या निकालने के लिए जान गए। अब अगला जो बताने वाले हैं वो विषम के बारे में है। क्वेश्चन आपके सामने ऐसे रहेगा, 120 के विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें। एक सौ बीस के विषम, यहाँ पे क्या है विषम, यहाँ पे क्या है विषम भाजकों की संख्या। तो यहाँ पे 120, 120 को गुणनखंड पहले करेंगे, अभाज्य गुणनखंड दो से लगाएंगे, कितने बार में लगेगा 60 बार में, 30 बार में, 15 बार में, फिर आपका 3 बार में 5। देखिए यहाँ पे एक दो तीन, दो तीन बार है, दो तीन एक बार है, पांच एक बार है। तो देखिए दो कितने बार, एक दो तीन, तो दो पे पावर तीन कर सकते हैं, तीन कितने बार एक बार, तीन पे पावर एक कर सकते हैं, पांच कितने बार एक बार, पांच पे पावर एक कर सकते हैं। अब देखिए चूंकि हमको विषम भाजकों के बारे में बोला है, तो विषम भाजकों में, विषम भाज को बोला है तो विषम भाज को में जो सम संख्या का पावर रहेगा उसको हटा देना, एकदम से हटा देना, हमको सिर्फ इसके पावर में एक ऐड कर देना है। विषम वाले पाँच की पावर एक है, एक प्लस वन, सम वाला को नहीं लेना है, सम वाला को हटा देना। तो वन प्लस वन टू इंटू वन प्लस वन टू, इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। तो अभी हम लोग तीन चीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। पहला, सभी भाज को की संख्या, दूसरा सम भाजकों की संख्या, तीसरा विषम भाजकों की संख्या। ये तीन बार हम पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं 120 का तीनों निकालते हैं, 120 का तीनों चीज़ निकालते हैं। सभी भाजकों की संख्या पहले निकाल रहे हैं, तो 60 टाइम में, 30 बार में, 15 बार में, 5 बार में। तो देखिए सभी भाजकों क्या निकालेंगे, दो कितने बार है, दो देखिए एक दो तीन, तीन बार है, तो दो के पावर ये दो है, दो के पावर तीन कर सकते हैं, इंटू तीन कितने बार, एक बार, तो तीन के पावर एक कर सकते हैं, पांच कितने बार, पांच एक बार है, तो पांच के पावर एक कर सकते हैं। और सभी भाजकों बोला है तो सभी पावर में, हम बताए थे सभी भाजकों अगर बोले तो जितना भी पावर है उसमें एक एक ऐड कर देना है, यानी कि इसका पावर कितना, दो का पावर तीन, तो तीन प्लस वन कर देना है, इंटू तीन पे पावर वन है तो वन प्लस एक में पावर एक को जोड़ देना है, ये पाँच पे पावर एक है, फिर इसमें वन प्लस वन कर देंगे, थ्री प्लस फोर इंटू वन प्लस टू इंटू वन प्लस टू, 16 आ गया। ये तो मेरा सभी भाजकों की संख्या है ना, सभी भाजकों की संख्या में क्या करना, पावर में एक एक ऐड कर देना और गुणा कर देना, तो सभी भाजकों की संख्या। लेकिन अब नेक्स्ट टाइम हम निकाल रहे हैं सम भाजकों की संख्या, तो सम भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या में क्या करना है, दो पे पावर तीन है, तीन पे पावर वन है, पाँच पे पावर वन है। तो मैंने बताया था अगर कभी भी सम भाजकों की संख्या बोले तो सम वाला पे ऐड नहीं करना, सम वाला पे जो पावर रहेगा, दो सम है तो उस पर पावर पे एक भी ऐड नहीं होगा, जैसे वैसे लिखा जाएगा थ्री इंटू, बट ये विषम है तो इसमें एक जुट जाएगा, वन प्लस वन इंटू इसमें वन प्लस वन, कितना हो गया मेरा, यहाँ देखिएगा थ्री इंटू टू इंटू टू, तीन दूनी छः, छः दूनी 12, ये आपका सम भाजकों की संख्या आ गया। ये विषम में पूरा सभी के पावर में एक एक ऐड हो जाएगा और सम भाजकों में सिर्फ सम वाले पे, सम वाले के पावर में एक भी नहीं जुटेगा, बाकी सब में एक में जुट के गुना हो जाएगा। अब विषम, अब विषम की बात करते हैं,
कितना था? 2 पे पावर 3 था, 3 पे पावर 1 था, 5 पे पावर 1 था। तो देखिए हम विषम, चूंकि विषम निकाल रहे हैं तो हम सम वाला को ही हटा देंगे, पूरा हटा देना। सम वाला मेरा 2 है तो 2 को पूरा हटा देना। तो यहाँ पे 1 है, 1 है, तो 1 1 जुट जाएगा तो पावर में 1+1 हो जाएगा इंटू 1+1 हो जाएगा। 1+1 2, 1+1 2 इजकल टू 4। तो हम लोग तीन चीज़ें सीख गए हैं। तो हम लोग तीन चीज़ें सीख लिए हैं, सभी भाजकों की संख्या, दूसरा सम भाजकों की संख्या, तीसरा विषम भाजकों की संख्या। ये तीन चीज़ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार फिर से समझिएगा, सभी भाजकों की संख्या में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी पावर रहेंगे उसमें एक एक ऐड करके सारा पावर गुना कर देना। तो ये मेरा क्या निकल गया, सभी भाजकों की संख्या। सम भाजकों की संख्या में क्या करना है कि सम वाला जो पावर रहेगा उसमें एक भी ऐड नहीं होना है। जैसे 2 की पावर 3 है तो सिर्फ 3 ही लिखाएगा, बाकी जितना भी विषम संख्या में जो पावर रहेगा उसमें एक एक ऐड करके गुना कर देना। और विषम भाजकों की संख्या में सम वाले को हटा ही देना है। जैसे मैंने क्या किया, 2 के पावर 3 है तो 2 को हटा दिया, सिर्फ 1 इसमें ऐड किए, 3 पे पावर 1 पे 1 ऐड किए, 5 पे पावर 1 को 1 ऐड किए, तो 1+1 2 हो गया इंटू 1+1 2 हो गया, 2 2 4 हो गया। किसका निकाल लेते हैं हम लोग, 120 का, तीनों चीज़ निकाल लेते हैं। यानी कि सभी भाजकों की संख्या कितना आया था मेरा, 16। यानी 120 16 टेबल में, मतलब 16 टेबल में कटेंगे जैसे। और 120 मेरा सम क्या आया था, 12 आया था, और 120 मेरा 4 आया था। एक क्वेश्चन और देखिएगा, 12 का सभी भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या निकालना है। तो 12 को पहले गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, 6 × 12, 3 × 6, 3 × 1 = 3, ठीक है। तो 2 कितने बार, 2 × 2 = 3, 1 को नहीं लेना है, 1 तो ऐसे ही है। तो 2 कितने बार, 2 बार, 3 कितने बार, 1 बार, है ना। तो सभी भाजकों की संख्या निकालना है, तो सभी के पावर पे एक एक ऐड कर देना। तो 2 है, 2+1 हो जाएगा, 3 पे पावर 1 है तो पावर में 1 जोड़ देना है, 1+1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2+3 = 3 इंटू 1+1 1 हो गया, सॉरी 2 हो गया, 3 × 2 = 6, यानी कि इसका सभी भाजकों की संख्या 6 हो गया। अब देखते हैं हम लोग सम भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या देखेंगे हम लोग। सम वाला में हमने बताया था कि जो सम संख्या पे पावर रहेगा उसमें ऐड नहीं होगा, तो 2 ही हो जाएगा, और 3 पे पावर 1 करेंगे तो 1+1 2 हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। फिर देखिएगा विषम, विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या देखिएगा। तो विषम में क्या बताए थे कि 2 जो भी सम रहेगा उसको हटा देना है, तो 1 है तो पावर 1 में 1 जुट जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा आंसर। यानी कि 12 को काटने वाला कितना संख्या है, 12 को काटने वाला 6 संख्या है, सभी भाजकों की संख्या है ना, तो 12 का निकाले तो 6 आया, तो यानी 12 को काटने वाला 6 संख्या है। अब देखते हैं 12 को काटने वाला 6 संख्या कौन कौन हो सकता है। देखिए 1 से कटेगा, 1 से 12 कट रहा है 12 बार में, 2 से कट रहा है 6 बार में, 3 से कट रहा है 4 बार में, और आपका 6 से कट रहा है 2 बार में, और खुद 12 से, यानी कि उसको काटने वाला 6 संख्या कितना, 1, 2, 3, 4, 5 हुआ, और एक टेबल और 4 से भी कट रहा है, सॉरी 4 से भी कट रहा है, 4 + 3 = 12, 3 बार में, तो 1 से भी कट रहा है 12, 12 को काटने वाला हम लोग क्या, हमने क्या सीखा थे, सभी भाजकों की संख्या 6, यानी कि 12 को काटने वाला 6 ऐसा टेबल है जो 12 को कटेगा।
यहाँ काउंट कर लीजिए, 6 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6। अभी हम सीखे थे सम भाजकों की संख्या, यानी कि सम 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 संख्या की, चार सम संख्या काटेगा। इसमें देखिए सम कौन कौन है, एक सम हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, ये चार हो गया। सम भाजकों की संख्या 4 आया था, अब विषम भाजकों की संख्या शायद 2 आया था। तो विषम देखिए, विषम ये हो गया, विषम ये हो गया। यहाँ तक आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं, तीन चीज सीख ली, चौथा चीज पे हम लोग चलते हैं, अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए। जैसे आपसे पूछा 12 का अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालिए, तो इसको तो 2 से करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 करेंगे, ये हो गया। तो 2 कितने बार आया मेरा, 2 2 पे 2 बार आया, 3 कितने बार, 1 बार। अब देखिए हमको क्या पूछा, अभाज्य अभाज्य गुणनखंड पूछा है। तो अभाज्य गुणनखंड कुछ नहीं करना, सभी का पावर जो है ना, सभी का पावर को जोड़ देना, सभी पावर का योग, योग मतलब जोड़, सभी पावर का योग। तो मेरा पावर कितना है, 2 + 1 इजकल टू 3, इसका 3 आंसर हो गया। कितना इजी है, अभाज्य गुणनखंड तो और इजी है। या हमेशा याद रखिएगा, अभाज्य गुणनखंड बोले तो सभी के पावर को ऐड कर देना, 2 1 3। अभाज्य गुणनखंड अगर बोले तो हम लोग को कैसे करना, ऐसे ही करना, सभी को पावर को ऐड कर देना। एक चीज़ और हम लोग सीखेंगे, पांचवा चीज, अभाज्य भाजकों की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या। तो अभाज्य भाजकों की संख्या बराबर बेस का टाइप होता है, बेस का टाइप मतलब बेस कितना प्रकार का है। 12 का ही देख लीजिए, 12 का ही देख लीजिए, 6 बार में 3 बार में, यानी कि 2 पे पावर 2 3 पे पावर 1। तो बेस मेरा ये हुआ ना, आधार बेस मेरा ये। तो बेस कितना प्रकार का है, तो दो प्रकार। ये कितना आसान हो गया, अभाज्य भाजकों की संख्या अगर बोले तो बेस का टाइप कर देना, ये याद रखिएगा, इसको अच्छे से नोट्स बनाइएगा। बस यहाँ तक आपका प्राइम फैक्टर ख़त्म, सिर्फ आपको क्वेश्चन बनाना होगा, इस पर प्रैक्टिस करना होगा, वो हम प्रैक्टिस अगले वीडियो में करवाएंगे। थैंक यू।